महाराजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड के विस्तारक संस्थापक हुए और जिनके संबंध में बहुत प्रसिद्ध है, इत बरहद उत सोनहद इत चंबल उत तोस छत्रसाल सो लड़न की रही न काहू हो। यहां तक उनके राज्य का विस्तार था, ये सब बुंदेलखंड के अंतर्गत था, धौलपुर तक बुंदेलखंड, बहुत विराट बुंदेलखंड की सीमा थी। वे महाराजा छत्रसाल परम वीर और परम भगवत भक्त, पन्ना की बात, पन्ना जो उनका नगर था वहां की बात है। एक बार अर्धरात्रि के समय वे घोड़े पर चढ़कर के महाराजा छत्रसाल विचरण कर रहे थे और उसी समय एक क्षत्रिय परिवार की ही स्त्री थी जो उनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट थी, उनके प्रति अनुराग रखती थी। उसने एकांत अवसर देखा तो वो रोते हुए उनके सामने उपस्थित हो गई। वह भी स्त्री कोई सामान्य नहीं थी, परम सुंदरी स्त्री थी और अर्धरात्रि के समय उसने छत्रसाल के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। छत्रसाल इतने संयमी सदाचारी पुरुष थे, दृष्टि नीची कर रखते थे, माताओं से दृष्टि नहीं मिलाते थे। वो उन्होंने नजर नीची कर ली, कहा आप कैसे आई हैं। उसने कहा मैं बहुत समय से आपके प्रति प्रेम रखती हूं, अनुराग रखती हूं, अब मैं और तो क्या कहूं, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूं। उसने क्या कहा, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूं। इतना सुनते ही छत्रसाल घोड़े से उतरे और अपनी पगड़ी उस देवी के चरणों में रखकर कहा, आज से यह छत्रसाल ही तुम्हारा पुत्र हुआ। उसकी काम कलुषित भावना नेत्रों के मार्ग से बह गई, उसका रोम रोम खिल गया और उस देवी ने दोनों हाथ सिर पर रखकर कहा, पुत्र यशस्वी भव, विजयी भव, आशीर्वाद दिया। ऐसे थे हमारे पुरखा, क्यों, क्योंकि उनमें वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा थी। तो चौथा खंबा क्या है, गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सती भी। जब सदाचार नष्ट हो गया वेदों के नष्ट होने से तो सती तो नष्ट हो गया, चौथा खंबा नष्ट हो गया। और अब स्थिति तो ये आ गई है कि ब्रह्मचर्य की, आश्रम की चर्चा, सदाचार की चर्चा, सतीत्व की चर्चा करने वाला उपहास का पात्र बन जाएगा। आधुनिक शिक्षा उसने हमारी मानसिकता को महाराज जी इतना नीचे गिरा दिया है, इतना पतन की ओर चली गई है कि हम उन चर्चाओं को करें तो लोग कहेंगे कि अरे ये क्या है, तो कहाँ जमाना 21वीं सदी में जा रहा है और ये बाबा कहाँ का आ गया, ये तो हजारों साल पीछे देश को ले जाना चाहता है। अरे भाई, हजारों साल पीछे पहुँचने पर ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें अपने स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा। अब देखो महाराज जी, जब चौथा खंबा सतीत्व नष्ट हुआ, अब हम क्या कहें, किन शब्दों में कहें, मैया बाप राजी हैं लड़के के और लड़की के भी मैया बाप राजी हैं, बहुत अच्छा कुल खानदान है, लेकिन यदि लड़की राजी नहीं है तो हमको तो सुनकर आश्चर्य होता है।
ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि द्वारा पैदा ही न करें हमको संसार में, क्योंकि इस जन्म में जितने अच्छे माता पिता हमको मिले हैं शायद आगे आने वाले समय में ऐसे पवित्र माता पिता नहीं मिलेंगे। लड़की कहती हमारे भविष्य का प्रश्न है, हम देखेंगे समझेंगे। गुजरात में एक घर में गए, क्या करें नाम निकल गया गुजरात का, चलो निकल गया तो निकल गया। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये जो है हमारी होने वाली बहू है, अच्छी बात है, होने वाली आपके लड़के की पत्नी है, बहू है, तो विवाह, बोले विवाह तो कुछ महीने रहेंगे, देखेंगे समझेंगे तब। बोले हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सबका स्वभाव सबको समझने के लिए वो घर में आके रह जाते। ऐसी स्थिति में सती तो कहाँ रहा, सदाचार कहाँ रहा। अरे भाई जो और आगे जो पृथ्वी के सुदृढ़ स्तंभ हैं, सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष, ये तीनों महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं और ये तीनों महापुरुष धरती फोड़ के पैदा नहीं होते हैं, आसमान से नहीं टपकते हैं बरसते हैं। ये महापुरुष किसी सती साध्वी पतिव्रता भगवत भक्ता किसी जय कुंवर बाई जैसी कोई भाग्यवती सती माता के गर्भ से श्री राम रतनदास जी पटियावारे बाबा जैसे संत प्रकट होते हैं, श्री रामदास जी महाराज जैसे संत प्रकट होते हैं, श्री तुलसीदास जी जैसे संत प्रकट होते हैं। आसमान से थोड़े ही महापुरुष बरसते हैं। पर जब माताओं का सतीत्व नष्ट हुआ तो लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष और सत्यवादी पुरुष, इनका धीरे धीरे अभाव हो गया। सत्यवादी की तो बात जाने दो, इतने अच्छे सत्यवादी इस युग में हैं कि उनको आप कहेंगे कि आप सत्य के ऊपर वक्तव्य दीजिए तो बहुत अच्छा सत्य के ऊपर वक्तव्य देंगे। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा बहुत बढ़िया से सुनाएंगे, खुद भी रो जाएंगे, श्रोता भी रो जाएंगे और खुद 99.5% झूठ बोलेंगे। झूठ ही लेना झूठ ही देना, और आगे क्या है, झूठ ही बोले झूठ जवेना। बहुत से ऐसे महानुभाव होते हैं जो सत्य को सत्य में भी थोड़ा झूठ मिलाकर तब परोसते हैं, वो सत्य बोल ही नहीं सकते, सत्य को भी थोड़ा झूठ बना करके तब बोलेंगे।